वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी यूपी स्पेशल की क्लास और आज की क्लास में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला देखेंगे उत्तर प्रदेश के नगर निगम और दूसरा मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। छोटा सा टॉपिक है, 3 से 4 मिनट में ही ये फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले देखें नगर निगम कितनी है उत्तर प्रदेश में, इसकी हम बात करेंगे। एक तो ये सारे बटन एक साथ चालू हो जाते हैं, चलिए थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ। हाँ जी, चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों वो है नगर निगम। तो यूपी में कुल कितने नगर निगम हैं, पहला तो यही आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुल है 17। पेपर में इस तरीके से सवाल आ जाता है कि इनमें से कौन सा नगर निगम नहीं है, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। जरा देख लेते हैं, पहला है लखनऊ, दूसरा है आगरा, तीसरा कानपुर, चौथा प्रयागराज, पांचवा वाराणसी, छठा अलीगढ़, सातवा मेरठ, फिर गोरखपुर, बरेली और गाज़ियाबाद, फिर मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजापुर और अयोध्या। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे फिरोजाबाद होना चाहिए, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। मथुरा वृंदावन और लेटेस्ट जो बना है 17वां ये है शाहजहाँपुर। तो टोटल हमारे यहाँ कितने नगर निगम हैं साथियों, 17 हैं और जो लेटेस्ट बना है वो है शाहजहाँपुर, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले, यानी जिले का नाम कुछ और है और जहाँ पर डीएम साहब बैठते हैं जो मुख्यालय है वो कुछ और है। ठीक है, ये पेपर में पूछ लेता है, जैसे जिले का नाम देकर के आपसे पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ है। तो देखो पहला है अमेठी, अब जिले का नाम है अमेठी लेकिन डीएम साहब का ऑफिस अमेठी में नहीं है, वो कहाँ पर है, गौरीगंज में है। तो मुख्यालय कहाँ पर है, गौरीगंज। दूसरा है संत कबीर नगर, इनका मुख्यालय है खलीलाबाद में। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है नोएडा में। कौशाम्बी का मुख्यालय है मंझनपुर में। अंबेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर में। कुशीनगर का मुख्यालय है पेडरौना में। कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माती में। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय है नौगढ़ में। सोनभद्र का मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज में। जालौन का मुख्यालय है उरई में। फरुखाबाद का मुख्यालय है फतेहगढ़ में और संभल का मुख्यालय है साथियों पम्बासा में। ठीक है, आगे यहाँ पर एक पॉइंट और देख लो छोटा सा, कुछ नव सृजित जिले और वो कब बने हैं और किन जिलों से मिले बने हैं उनको देख लेते हैं। जरा देखो, सबसे पहला जिला है हमारा वो है महोबा। महोबा कब बना है, 1995 में, और किस जिले से कट करके बना है, हमीरपुर से बना है, ध्यान रखना। अम्बेडकर नगर बना है 1995 में, फैजाबाद से अलग होकर के बना है। गौतम बुद्ध नगर नाम का जिला बना है 1997 में और गाजियाबाद बुलंदशहर से अलग करके इसको बनाया गया है। संत कबीर नगर भी बना 1997 में और संत कबीर नगर को बस्ती व सिद्धार्थ नगर से अलग करके बनाया गया है। ठीक है, बस्ती और सिद्धार्थ नगर को अलग करके हमने ये जिला बनाया है जिसका नाम है संत कबीर नगर, जिसका मुख्यालय है खलीलाबाद में, ध्यान रखना, ऊपर हमने देखा था। आगे देखो, आगे है कौशाम्बी। कौशाम्बी बना है 1997 में और इलाहाबाद से अलग होकर बना है। अमरोहा 1997 में, मुरादाबाद से अलग होकर के बना है। हाथरस 1997 में, अलीगढ़ व मथुरा से अलग होकर बना है। चित्रकूट 1997 में बांदा से अलग होकर के बना है। बलरामपुर 1997 में गोंडा से अलग होकर के बना। चंदौली 1997 में वाराणसी से अलग होकर बना और श्रावस्ती बहराइच से 1997 में अलग होकर के बना है। कन्नौज 1997 में बना है फर्रुखाबाद से अलग होकर के। औरैया 1997 में बना साथियों इटावा से अलग होकर के। कासगंज 2008 में बना है एटा से अलग होकर के, ध्यान रखना। संभल 2011 में बना है मुरादाबाद और बदायूं से अलग होकर के। हापुड़ 2011 में अलग हुआ है
किससे? गाजियाबाद से। शामली 2011 में बना है मुजफ्फरनगर से। और लास्ट अमेठी 2013 में बना है रायबरेली और सुल्तानपुर से अलग होकर के बना है साथियों अमेठी। ध्यान रखना, अमेठी के पूर्व में आपको सुल्तानपुर मिलेगा, पश्चिम में रायबरेली मिलेगा और इन दोनों को अलग करके हमने बनाया है अमेठी। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको नई जानकारी मिली होगी। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।